शुरुआती रुझान है, थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए। हम एनडीए की चारों सीटें बिहार में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको चारों सीटों पे बढ़त और जीत भी दिखेगी आपको। 200 सीटों पर लड़ने का दावा कर रहे हैं, 243 उनके कार्यकर्ता थे वहाँ पर, और दो दिनों के मैराथन बैठक के बाद नतीजा निकलता है, फैसला आता है। क्या नतीजा निकला, क्या फैसला आया? सिर्फ कह देने से कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ लेंगे, उसके लिए तैयारी भी चाहिए होगी आपको। हो रहा है दोनों राज्यों में जो है वो एनडीए को आगे दिखाया जा रहा है। देखिए, महाराष्ट्र में जो अभी शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग एक बड़े अंतर से, बहुत बड़े मार्जिन से महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रहे हैं। क्योंकि झारखंड को लेकर के काउंटिंग और रुझान थोड़े लेट आने शुरू हुए हैं, तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे आपको नतीजे साफ होते हुए दिखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि झारखंड में भी हम लोगों को बढ़त मिलेगी। चार सीटों पर उपचुनाव के भी काउंटिंग हो रहे हैं, आप लोग आगे हैं? देखिए, अभी फिलहाल जो शुरुआती रुझान है वो 3 सीट पर आगे दिखा रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि शुरुआती रुझान है, थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए। हम एनडीए की चारों सीटें बिहार में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको चारों सीटों पे बढ़त और जीत भी दिखेगी आपको। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि उनका अंतिम यात्रा होगा। ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष क्या कहते हैं, इससे हम लोग को बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं होना चाहिए। जनता के बीच में कांग्रेसी जाते नहीं हैं, जनता के बीच जा करके उनके समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते नहीं हैं, उनकी आवाज़ को उठाते नहीं हैं। मुख्यमंत्री जी कम से कम जनता के बीच में जा रहे हैं, अपने कामों के बारे में बता रहे हैं। जनता को भी पता चलना चाहिए कि इतने दिनों में सरकार ने क्या काम किया है, अपनी उपलब्धियों को बता रहे हैं, जिसका स्वागत होना चाहिए। इनको ये कहा जाए, कांग्रेस को ये कहा जाए कि आप भी जनता के बीच जाकर के जनता की आवाज़ को उठाइए, क्योंकि दिनों दिन जिस तरह से कांग्रेस खत्म होती जा रही है, आने वाले समय में लगता है कांग्रेस का ही पूरा का पूरा एकदम खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे कांग्रेस खत्म हो जाएगी देश से। पशुपति कुमार बारह से दो बैठक बुलाए थे, क्या लग रहा है एनडीए पर प्रेशर, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं? 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या ये बताइए, आप ये बताइए कि जो दो दिनों की इनकी बैठक हुई, जिसको बड़ा बहुत बड़ा बैठक, महा मतलब मैराथन बैठक कहा गया, कितने कार्यकर्ता आए हुए थे? आप लोगों ने संख्या देखी? 200 सीटों पर लड़ने का दावा कर रहे हैं, 243 उनके कार्यकर्ता थे वहाँ पर, और दो दिनों के मैराथन बैठक के बाद नतीजा निकलता है, फैसला आता है। क्या नतीजा निकला, क्या फैसला आया? सिर्फ कह देने से कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ लेंगे, उसके लिए तैयारी भी चाहिए होगी आपको। ऐसी कोई तैयारी तो मुझे नहीं दिख रही है फिलहाल अभी, तो तैयारी करने दीजिए। अगर बोल रहे हैं जनता के बीच में जाएंगे तब ना, आप जब से लोकसभा का चुनाव हुआ है या उससे पहले जब मंत्री बने थे, जनता के बीच कितनी बार गए थे, कितनी ऐसी उनकी आम सभाएं हुई हैं, कितनी रैलियां हुई हैं। देखिए, वो लोग सब ड्राइंग रूम के हवाई काम कर रहे हैं, जनता के बीच जा कर के काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे वादे, ऐसे दावे होते रहेंगे, होने दीजिए। हम लोग जनता के बीच में, हम लोग को पता है, हम लोग लगातार बने हुए हैं अपने अपने क्षेत्र में। झारखंड में जो अभी चुनाव हम लोग लड़े हैं, हमारे प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, हम लोग जनता के बीच में बने रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे। सर, कहा जा रहा है कि उनके पुत्र हैं वो भी अब विधानसभा का चुनाव जो 25 में होगा उसमें लड़ेंगे, चुनावी मैदान में आएंगे, योग्य होंगे तो शायद कुछ कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल जो अभी जो दिख रहा है, आने दीजिए। अभी हम लोग को नहीं पता है कि आ रहे कि नहीं आ रहे, कोई फॉर्मल लॉन्चिंग नहीं हुई है। आ रहे हैं, स्वागत है, आना चाहिए, युवाओं को आना चाहिए, लेकिन सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ड्राइंग रूम में किसी की लॉन्चिंग हो गई, जनता के बीच अगर आप जाकर काम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वही हवा ही वादे रह जाएंगे, दावे रह जाएंगे। एक आखिरी सवाल लेंगे, चिराग पासवान जो आपके नेता है वो कह रहे थे कि पशुपति पारस जो है वो एनडीए का हिस्सा कब रहे, आप कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? देखिए, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, आप लोकसभा के चुनाव से लेकर के आप आगे की एनडीए में जितनी भी गतिविधियाँ हुई हैं आप उसका आकलन कर ले, और आप खुद ही मुझे ये बताएं कि एनडीए की ऐसी चुनावों में, जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए, जो अभी उपचुनाव हो रहे हैं, जो एनडीए की बड़ी बैठकें होती हैं, कहीं पे उनकी हिस्सेदारी नहीं है, उनको बुलावा नहीं है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है।